फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक को किस प्रकार हैक होने से बचा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जितने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं सबसे आसान है फेसबुक को हैक कर पाना। तो इस वीडियो में मैं कुछ सेटिंग बताऊंगा फ्रेंड्स, जो सेटिंग आपको हमेशा अपने फेसबुक पे करके रखना है ताकि आपका फेसबुक को हैक ना कर पाए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उमेश कुमार, आप देख रहे हैं रियान्स टेक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बताते हैं आपको। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपना फेसबुक ओपन कर लेना है। मैं क्रोम ब्राउजर से ही अपना फेसबुक चलाता हूँ, तो आप जहाँ से भी चलाते हैं अपना फेसबुक को ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ कोने पे तीन लाइन आपको मिल जाएगा देखने के लिए, तो इस तीन लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको प्राइवेसी शॉर्टकट का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपको सबसे नीचे आ जाना है। तो सबसे नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ एक ऑप्शन आपको और मिल जाएगा यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये इस तरह खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कुछ इस तरह खुल के आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि स्टार 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 बना हुआ है, मोबाइल नंबर लास्ट में 63 लिखा हुआ है, इसी तरह आपका भी लिखा हुआ रहेगा मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा यूज ए डिफरेंट नंबर, यहाँ पे आप क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लें कि यहाँ जो भी मोबाइल नंबर दिया गया है वो आपके पास है या नहीं। तो मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा फ्रेंड्स कि आप वही मोबाइल नंबर यहाँ डाल के रखें जो मोबाइल नंबर आपके पास हमेशा रहता है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है, मोबाइल नंबर यहाँ डाल लेना, उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस तरह करने से होगा क्या। तो होगा ये फ्रेंड्स कि यदि किसी ने आपका फेसबुक को हैक कर लिया है तो वो जब भी आपके आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा और उसमें लिखा रहेगा कि आपका फेसबुक कोई लॉगिन कर रहा है। यदि आप उसको परमिशन देंगे तभी वो लॉगिन कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा इसे एक्टिवेट करने के लिए। तो आप जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP आ जाएगा, देख सकते हैं मेरे पास एक OTP आ गया है ऊपर में। तो आपको इस OTP को कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं इसे जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ इस OTP को। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी कोड आया था उस कोड को यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, तो मैं फिलअप कर देता हूँ, वो कॉपी नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैंने उस कोड को यहाँ पे फिलअप कर दिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये कुछ लोडिंग लेगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये इस तरह ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन ऑन हो गया है। अब से आपका यदि कोई फेसबुक का पासवर्ड भी जान गया है वो लॉगिन करना चाहेगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। वो कोड आपके पास आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका फेसबुक कोई लॉगिन कर रहा है, तो आपको कोड के थ्रू से पता चल जाएगा और आपका अकाउंट सेफ रहेगा। तो ये ऑप्शन ऑन करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने ऑन करके नहीं रखा है तो इसे जल्दी से ऑन कर लें। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ी हो फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।